देश इस वक्त कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहा है। मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच दवा नियामक सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDSCO ने स्विट्जरलैंड की फार्मा कंपनी रोच और रिजनरॉन द्वारा विकसित एक एंटीबॉडी ड्रग कॉकटेल कॉसिरिविम्ब और इमिदेविमैब को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। रोच ने एक बयान में बताया है कि भारत में कॉसिरिविम्ब और इमिदेविमैब की मंजूरी अमेरिका और यूरोपीय यूनियन में इमरजेंसी यूज के लिए दायर किए गए आंकड़ों पर आधारित है। कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि एंटीबॉडी कॉकटेल को वयस्कों और बाल रोगियों 12 या उससे अधिक आयु कम से कम 40 किलोग्राम वजन वालों में हल्के एवं मध्यम कोरोना के लक्षण होने पर दिया जा सकता है। रोच फार्मा इंडिया के MD वी सिम्पसन एमानुएल ने कहा है कि भारत में COVID-19 संक्रमण की बढ़ती संख्या के साथ रोच अस्पताल में भर्ती होने और स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। कोरोना वैक्सीन और लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।